हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। डाल दिया था, उन्होंने कहा कि जुडिशियल मार्शल लॉ 90 या 120 दिनों के लिए मुल्क में नाफिज कर देना चाहिए, जिसके बाद बहुत सी चहमगोइयां, बहुत सी सगोशियां, बहुत से वसवसे, बहुत से अंदेशे, बहुत से खदशात और बहुत से तहफ्फुज़ात ने सर उठाना शुरू कर दिया था। आज यौम पाकिस्तान के दिन, तारीखी दिन के पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जबकि वो लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अहम तरीन बयान दिया। उनका कहना था कि आइन में जुडिशियल मार्शल लॉ का कोई तसव्वुर नहीं है और इस तासुर को और इस नजरिए को अक्सर मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कि मुल्क में जुडिशियल मार्शल लॉ किसी भी सूरत लगता है। मजीद वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक वो है तब तक मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आ सकता, ना ही अंदर से और से अंदरूनी या बैरूनी से उनकी क्या मुराद थी इसकी वजाहत उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने यह भी जरूर कहा कि आइन से बाला कोई भी इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया जाएगा और इंतखाबात आजादाना होंगे। ये सब कह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सों की ख्वाहिशात पर पानी तो फेर दिया, लेकिन क्या यौम पाकिस्तान के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की तरफ से इस अहम तरीन बयान को काफी तसव्वुर किया जाए, क्या ये समझ लिया जाए कि चीफ जस्टिस साहब के इस बयान के बाद जमहूरियत के हवाले से खास तौर पे सियासी जमातों के अंदर एतमाद बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की माजी की तारीख जिस तरह का हिस्सा रही है उसमें इस किस्म के खदशात कुछ नए नहीं हैं। तो क्या तसव्वुर कर लिया जाए, क्या इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि चीफ जस्टिस की आज की यकीन दहानी के बाद जमहूरियत के हवाले से एतमाद बढ़ेगा, या ये समझा जाए, ये सवाल उठाया जाए कि इस बयान के बाद वसवसों, अंदेशों, खदशात और तहफ़ुज़ात में मजीद इजाफा होगा या मजीद इंतशार फैल सकता है। इसी हवाले से हमने राय लेने की कोशिश की है मुल्क के और बेहतरीन कानूनी दिमागों से, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से, जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहिबा से और कामरान मुर्तजा साहब से। इस हवाले से उनका क्या कहना था सुन लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जुडिशियल मार्शल लॉ, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इट्स ए कंट्रडिक्शन इन टर्म्स, कि एक तजाद है, दोनों लफ्जी तजाद है। कोई चीज मार्शल लॉ बहर सूरत एक लॉ के खिलाफ चीज होती है और उसके साथ लफ्ज जुडिशियल ऐड करना तो बिल्कुल गलत है। तो ये तो अपनी जगह पर है, ये तो जुडिशियल मार्शल लॉ का तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात जो ये है कि आइन में तो ऑब्वियसली इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मार्शल लॉ की भी कोई गुंजाइश आइन में नहीं है। ये तो मार्शल लॉ तो जनरल्स आके लगाते हैं, वैसे तो कोई गुंजाइश नहीं है। और जुडिशरी से एक्सपेक्ट करना कि वो मार्शल लॉ लगाए, वो सरासर गलत बयानी और गलत चीज़ है। अगर किसी सियासतदान ने ये कहा है तो उसको मेरे ख्याल में ना तो कानून के मुताबिक जानता है वो, ना जुडिशरी के मामले में जानता है। लेकिन जहाँ तक के हमारे चीफ जस्टिस साहब के बयान का ताल्लुक है, जिसका आपने जिक्र किया, जो उन्होंने ये मौका देखा जहाँ वो तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल सही है, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिससे मैंने आपसे कहा ये कंट्रडिक्शन इन टर्म्स है, इसको इसके मुताबिक तो उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बात करने के मतलब ये है कि लोग ये तसव्वुर करेंगे कि शायद इस तरह की कोई इम्कानात थे जिसको कि उन्होंने कंट्रडिक्ट करने की कोशिश की, तो ये मेरे ख्याल में इंसान को ये सोचना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि मार्शल लॉ ना बाहर से आएगा ना अंदर से आएगा और ये हम कभी आने नहीं देंगे। देखिए, ये आपको याद होगा कि जब चौधरी इफ्तखार साहब का रेस्टोरेशन हुआ था तो उसके बाद ये चीज़ सामने आ गई थी कि अब हमारी जुडिशरी जो है कभी किसी मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं करेगी, और ये तो चीज़ हो गई, इसके मुताबिक जजमेंट्स भी आ गई हैं, और तकरीबन वो ज़माना गया जबकि हमारी जुडिशरी जो है वो मार्शल लॉ को सपोर्ट करती थी और डिक्टेटर्स को और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स को इजाज़त देती थी कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सकें। वो चीज़ तो ख़त्म कर दी ये चौधरी इफ्तखार साहब के ज़माने से, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई।
अब उसको री एम्फेसाइज करना कि चूंकि हम मार्शल लॉ ना आएगा ना लगाने देंगे, वो भी मेरे ख्याल में जो बात करना है इसके मतलब ये हुआ कि शायद कोई ऐसी बात हो, लोगों के दिल में ये वसवसे पैदा हो सकते हैं, ख़ासतौर से सियासतदानों के दिलों में ये वसवसे पैदा हो सकते हैं कि शायद इस चीज़ की कोई गुंजाइश थी या कोई ऐसी चीज़ होने वाली थी जिसको कि हमारे चीफ जस्टिस साहब उसको कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से, जिस तरह आपने कहा कि इसकी वजह से ये हो सकता है कि हमारे सियासतदानों में कुछ खलबली मच सकती है कि शायद कोई ऐसी चीज़ होने वाली हो, और जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं होने देंगे, वो अपनी जगह पर, क्योंकि वो तो हमारी जो जजमेंट्स वगैरह जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, उससे साफ जाहिर होता है कि ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। लेकिन चूँकि ये आजकल जो ज़माना चल रहा है जहाँ पर बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं कि किस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशरी से, किस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है आर्मी से, तो इस माहौल में ऐसी बात करने से मेरे ख्याल में वो जो लोगों के दिल में शुबात थे वो ख़त्म होने के बजाय शायद वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो ये हालांकि मुझे ये मालूम है कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल अपने ईमानदारी से कहा ये दिखाने के लिए कि ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है और हमारी जुडिशरी जो है वो हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है और जमहूरियत को सपोर्ट करेगी। लेकिन वो चूंकि वो सियासतदान तो है नहीं हमारे चीफ जस्टिस साहब, और इस चीज़ को शायद उन्होंने नहीं सोचा कि इसके असरात क्या होंगे, उसके मतलब शायद उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन इसके असरात यकीनन ऐसे हो सकते हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं वो सोचें कि शायद ऐसी कोई बात होने वाली है, और ख़ास तौर से चूंकि अब ये केयरटेकर कैबिनेट आने वाली है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि शायद ये केयरटेकर गवर्नमेंट जो है ये लंबी हो जाए और इस पे उन जो फोर्सेस का असर हो जिनसे कि लोग हमारे कम से कम सियासतदान जो कि उनसे जो समझते हैं कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपको और तमाम नाज़रीन को यौम आज़ादी मुबारक। जो बात चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई उसमें बिल्कुल सदाकत है, और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत का कोई नेमुल बदल नहीं है। जो भी कहे कि यहाँ जुडिशल मार्शल लॉ आएगा वो बिल्कुल गलत बात कर रहा है, और कम से कम उन्होंने अगर लोगों की जहन जो है उनमें अगर कोई इंतशार था तो उसको साफ कर दिया, तो अच्छा किया, क्योंकि अब तो तरह तरह की बातें होती हैं और जब ऐसी बातें होने लगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको सदेबाप करना जरूरी है। हालांकि इनको जरूरत नहीं थी, मगर अब ये जरूरत इसलिए पड़ी कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। और ये अंदरूनी और बैरूनी बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया, जब से मुशर्रफ को हमने पीसफुल सिटीजन एंड लॉयर्स मूवमेंट के साथ निकाल दिया बाहर, जमहूरियत को बहाल कर लिया, मार्शल लॉ जो उन्होंने लगाया था दूसरी दफा खत्म कर लिया, जजेस को आजाद कर लिया, और कानून की बालादस्ती को हमने यहाँ कर दिया, बिल्कुल जाहिर के यही है। तो उसके बाद मैं समझती हूँ कोई गुंजाइश नहीं, कोई शख्स, कोई आमिर, कोई गासिब तसव्वुर नहीं कर सकता कि यहाँ पे जमहूरियत को पटरी से उतारे, क्योंकि आईन में तो बिल्कुल इसकी गुंजाइश है ही नहीं, और दुनिया में हमने देखा है कि कोई नेमुल बदल जमहूरियत का है ही नहीं। मैं समझती हूँ इससे अगर किसी के जहन में कोई इंतशार था तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बात करने वाले सोच के बात नहीं करते, बगैर सोचे ऐसी बातें कर देना जो है लोगों में ऐसे तवहम फैलाने, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने वजाहत कर दी कि ऐसी कोई बात होने का इम्कान नहीं है, तो उन्होंने लोगों के जहन जो है उनमें अगर कोई इंतशार होने का इम्कान भी था तो उसको दूर कर दिया। जब धरना था 2014 में तो तब भी मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा तसव्वुर नहीं था कि जुडिशल मार्शल लॉ लगे, और अगर शेख रशीद साहब ने ये बात की तो उन्होंने अपने तौर पे ही की। और देखिए जहाँ पे 20 करोड़ अवाम है तो किसी के मुंह को तो आप बंद नहीं कर सकते, जो जिसका जी चाहे वो कह दे। अगर तब जावेद हाशमी ने कोई ऐसी बात की तब भी उन्होंने गलत बात की, अब अगर शेख रशीद कर रहे हैं तो इस बात में कोई सदाकत नहीं, ना ही ये होने का है। देखिए कुछ दिनों से ये एक फीलर छोड़ा हुआ था शेख रशीद साहब ने, और इसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां और मसाइल पैदा हो रहे थे जुडिशल मार्शल लॉ की कहने के हवाले से उनका। उन्होंने कहा कि जी जुडिशल मार्शल लॉ लगना चाहिए और चीफ साहब को या जुडिशरी को लगाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है बर वक्त उसको उस जो फीलर छोड़ा हुआ था उन्होंने उस सबको रिपेल कर दिया है, और ये रिपेल होना भी चाहिए था। बात यह है कि इस मुल्क में किसी किस्म के भी माशाल्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इस मुल्क ने चलना है, और अल्लाह करे कि ये चलेगा, अल्लाह करेगा, तो हम सब ने इस दस्तूर के इस आइन के अंदर रह के चलना है,
और यही इस मुल्क की बका का राज है, यही यहाँ के लोगों के दरमियान जो है एक उम्रानी मुआहदा है। और अगर कोई शख्स इससे बाहर देखता है अपनी दीगर किसी किस्म की कमजोरियों की वजह से, अपनी ख्वाहिशात की वजह से, तो वो ज्यादती करता है इस मुल्क से। अगर वो पॉलिटिक्स में फिट नहीं है, किसी उनकी पॉलिटिकल पार्टी किसी मामले में फिट नहीं हो रही, तो इस तरह से पहले दूसरे मार्शल लॉ को दावत देना, फिर उसके बाद अल्टीमेटली जुडिशल मार्शल लॉ की जो का फीलर छोड़ना, मेरा ख्याल है इससे बड़ी ज्यादती वो नहीं कर रहे। उनको या तो पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए या फिर जो है अपने आप को अमेंड करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कर दूँ, देखिए मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ या किसी और तरह का जो है ना वो ऐसा इकदाम जो कि मावराए आइन हो, उसको तो कौम तस्लीम नहीं करेगी। इसके साथ साथ आज 23 मार्च को हम सबको, 23 मार्च 2018 को हम सबको अहद करना चाहिए कि इस पॉलिटिक्स में जो गैर मरई क़ुतें जो इन्वॉल्व हो गई हैं, हमको उस गैर मरई क़ुतों से भी निजात हासिल करनी है। और जिस दिन हमने उन गैर मरई क़ुतों से निजात हासिल कर ली और ये मुल्क वाकई जमहूरी असूलों के मुताबिक चलने लग गया, तो फिर ये मुल्क तरक्की करेगा और इसको फिर तरक्की से कोई नहीं रोक सकेगा, ये सदी का एक कामयाब मुल्क हो। देखिए आम तौर पे जजेस को इस तरह से इंटरव्यू के हवाले से हम मुखालिफ हैं कि वो प्रेस में आए, मीडिया अटैक करें या उनकी बात जो है ना वो अदर देन जजमेंट्स कोई ऐसी हो, मगर ये ऐसा इशू था, शेख साहब ने ऐसा एक मसला पैदा कर दिया था इस मुल्क में, एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई थी कि जैसे कोई जुडिशरी जो है ना इस तरह की किसी साजिश में शरीक है। तो इस मरहले पे चीफ साहब को आके ये स्टेटमेंट देना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी हो गया था। इस स्टेटमेंट को हम नज़रिया ज़रूरत में ले लेते हैं और उस नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है ना इस स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक थी, बरवक्त थी, और इस स्टेटमेंट की वजह से माशरे में एतमाद बहाल होगा। वरना शेख साहब ने जिस तरह से किया था या जिस तरह से वो कर लेते हैं अक्सर, इसकी वजह से मुल्क में सियासी हवालों से, जमहूरियत के हवाले से मसाइल जन्म लेते हैं। कानूनी माहिरीन की राय आपने सुनी। चीफ जस्टिस के आज के स्टेटमेंट के बारे में सियासी जमातें क्या कहती हैं? किया जाएगा, जमहूरियत को डीरेल होने नहीं दिया जाएगा, इसी हवाले से बात करेंगे। और खासतौर पर आज चूंकि यौम पाकिस्तान है और कल ही सेनेट में और सेनेट की तारीख में बल्कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की जमहूरी और पार्लियामानी तारीख में पहली बार ऐवान बाला में एक खातून अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुई हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे। सेनेट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान पार्टी मुतमईन है जो आज चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशियल मार्शल लॉ की अफवाहों और तजावीज को रद्द कर दिया है। मेरे साथ आज खास तौर पर प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेट में ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। सबसे पहले तो चूंकि आपकी आप मुकर्रर हुई हैं, आपकी तकर्री हुई है, आपकी तैनाती हुई है, आप मुंतखब हुई हैं सेनेट में पहली खातून ऑपोजिशन लीडर और आज जौम पाकिस्तान भी है, तो आप क्या समझती हैं कि खवातीन किस तरह से इस मुल्क की जमहूरियत की, इस मुल्क की पार्लियामान की रहनुमाई कर सकती हैं? आपका नुक्ता नजर क्या होगा, आपकी पॉलिसी क्या होगी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि सेनेट में आपने ऑपोजिशन को किस तरह से लेके चलना है और गवर्नमेंट की रहनुमाई किस तरह से करनी है? जी शुक्रिया गरीदा, आपको बहुत मुबारक हो कि ये अब ख्वातीन के हाथ में इतना बड़ा ओहदा आया है। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले इलेक्शन साल में जो सेनेट का किरदार होता है वो बड़ा अहम होता है। जो आजकल आप देख रहे हैं कि सियासत में बड़ी नफ़रतें और शिद्दत और इंतहा पसंदी आ गई है, वो इस ऐवान में एक मुतदिर तरीके से, बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है। और अगर हमारा पार्लियामेंट्री एजेंडा ऐसा हो कि हम ना सिर्फ जवाबदेही के अमल को यकीनी बनाएं, यानी हुक्मरान जमात की और ट्रेजरी बेंचेस की गवर्नेंस के इश्यूज को सामने लाएं, लेकिन जो महरूमियां आम पाकिस्तानी का सामना करना पड़ता है, आम पाकिस्तानी को सामना करना पड़ता है, उनकी बात करें और उनमें असला, हमारे सिस्टम को शदीद ज़रूरत है असला की, तो रिफॉर्म की, तो ये हम इस तरह की बात करें, असला करें। मगर तीसरा जो एजेंडा होता है वो सेनेट का ये है कि वो वफाक की इकाइयों की, यानी सूबे, जितने भी सूबे हैं उनके सारे हकूक की जामिन होती है
और ये एक बहुत अहम आईनी इसका किरदार है। ये किरदार हमने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है, प्ले करना है, ये रोल प्ले करना है और हमें बहुत मुस्तकिल मुहतात रहना होगा, विजिलेंट रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा कि हम अवाम के मसाइल, इकाइयों के, सूबों के मसाइल यहाँ किस तरह हल करने का तामीरी तरीका ढूंढ सकते हैं। और ये भी हमारा एक बहुत अहम काम होता है कि हम जो मसलन इस वक्त इक्तसादी क्राइसिस है मुल्क में या खारजी क्राइसिस मुल्क के बाहर है उसके भी उसके लिए भी हम उसकी निशानदेही कहें कि ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है, इसके इसमें क्या प्लान है, तो इसमें जो प्लानिंग है इसकी क्या मनसूबाबंदी है, क्योंकि हमें इस वक्त खतरनाक मुल्क में ऐसे मोड़ नजर आ रहे हैं जहां कोई प्लानिंग नहीं है, जहां कोई हुकूमत की मनसूबाबंदी या अवाम को तकवीत देने की, चाहे पेट्रोल प्राइसेस हों या औने पौने जिस तरह वो निचकारी कर रहे हैं या वो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी सरचार्जेस लगा रहे हैं और जितने भी आप तेल की कीमतों में कमी देखते जा रहे हैं, बजाय इसके कि आवाम को तकवीत मिले फर्टिलाइजर से लेके पेट्रोल तक, इसका बड़ा दूरदर्श असर होता है तेल की कीमतों का, तो बजाय उसके कि तकवीत दें वो ये बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी शाह खर्चियाँ कर रहे हैं और कोई इस वक्त ऐसा लगता है हाथ नहीं है किसी का मुल्क के स्टीयरिंग व्हील या पहिए पे, तो ये सारी बातें तो हमने शरी साहिबा के विफाक की तमाम इकाइयों को मुत्तहिद रखने और उनकी गवर्नेंस, उनकी फंक्शनिंग सही हो, ये भी आपकी पॉलिसी का हिस्सा होगा बतौर ऑपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी उन पर भी आप कड़ा चेक रखेंगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आज की जो एक बड़ी अहम खबर है कि जुडिशियल मार्शल लॉ के हवाले से जो अफवाहें, जो तजावीज आ रही थी पिछले दो दिन से, चीफ जस्टिस साहब ने आज उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी जब तक मैं हूं तब तक जुडिशियल मार्शल लॉ नहीं आ सकता और आईन में इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। आप क्या समझती हैं कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से यह तर्दीद हो जाने के बाद और एक वाज़े वजाहत आ जाने के बाद क्या सियासी जमातें मुतमईन हो जाएंगी, उन्हें एतमाद आ जाएगा या उनके अंदर कुछ मजीद वसवसे जन्म ले सकते हैं, कुछ मजीद खलबली पैदा हो सकती है, कोई मजीद इंतशार पैदा हो सकता? देखिए गरीदा, अफसोस से मैं कहूँगी इंतशार तो इस वक्त हुक्मरान जमात फैला रही है क्योंकि वो इस वक्त इक्तदार के मज़े भी ले रही है, अपने तरक्याती फंड्स को भी बगैर सोचे समझे पानी की तरह बहाया जा रहा है, जो हम और आपके वसाइल हैं बांटने के अवाम में, इकाइयों में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, स्क्वीज़ किया जा रहा है हमारी बजट को। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जहाँ तक इस्तेकाम की बात है, पाकिस्तान को इस्तेकाम की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बहुत सियासी भी और स्ट्रेटजिकली भी। और इस वक्त जब चीफ जस्टिस का बयान आता है कि हमें ऐसा कोई, हमारे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है और ना आईन में इसका कोई तसव्वुर है, तो मैं समझती हूँ इससे थोड़ी यकीनदानी होती है और हौसला होता है अवाम को, जो इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की सख्त तलाश में हैं पाकिस्तान। और ये देखिए हुक्मरान जमात को और जो एक मुक्तदर हलके होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है जब आप ख़ास तौर पे रोज़ अदालतों का सामना कर रहे हैं, और आपने अदालतों का सामना खुशी से नहीं किया, आपको ज़बरदस्ती यहाँ तक लाया गया, आपने पार्लियामान को बेतौकीर किया, आपने ऐवानों को कुछ समझा नहीं, जमहूरियत का जो महवर है उसमें उसको ठुकराया, तवातर से ठुकराया, और फिर आपका सवाल होता है कि जी हमें क्यों हटाया गया या हमें क्या समझा गया। आप सड़कों पे लोगों को मुश्तइल करते हैं, इदारों के साथ टकराव की एक कैफियत लाते हैं, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सिविलियन हुकूमत में जमहूरियत और जमहूरी इकदार की जामिन होती है। हमारे पर बड़ी मुक्तदर हलकों में बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप नफरतों फैलाने के बजाय, आप इदारों में खलीज क्रिएट करने के बजाय एक पाकिस्तान को जिम्मेदाराना तर्ज से चलाएं, जो जब गवर्नमेंट में होती है पार्टी उसका यही नज़्बुलैन होता है और आप बहुत कड़वे घूंट पी के आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी करती रही, मैं आपको बतेरे एग्जांपल्स दे सकती हूँ,
लेकिन हमने हमेशा जुडिशरी के सामने हो, कोई भी इदारा हो, हमने कहा हमने जिम्मेदारी ली हुई है, ये सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, इसके लिए हमने बड़ी जिद्दोजहद की है, तो हमने आगे लेके सबको चलना है। और आप ऑन बोर्ड लें, बजाय इसके कि आप मुल्क को अखाड़ा बनाएं, आप लोगों को ऑन बोर्ड लें, आप इदारों को ऑन बोर्ड लें और लोगों को हौसला दें कि हम इस वक्त आपको मुश्किलों से और मुल्क को मुश्किलों से निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो चाहे खारजा वजारत हो, इनकी खारजा वजीर हो, आज वो यूके के खिलाफ ट्विटर पे लगे हुए थे, या इनकी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री हो जो एक फर्द वाहिद चला रहा था, और आज डायर इकोनॉमिक्स का आपको पोल खुल गया, आपको आपकी खरबों रुपए की गर्दिशी कर्जे हो गए हैं, आपका मुल्क इस वक्त लोड शेडिंग का, बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहा है, मुल्क में पानी की शदीद किल्लत है, अब जाके वाटर पॉलिसी की बात मुश्किल से की जा रही है, और आप देखें कि इक्तसादी हालात आपको कशकोल उठाने पर फिर ठीक है जबरदस्ती आमादा कर रहे हैं अपने मुल्क को, आवाम को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शेर रहमान साहिबा कह रही थी कि मुल्क को किसी भी तरह जुडिशियल मार्शल लॉ का खतरा लाहक नहीं है, चीफ जस्टिस साहब ने इसकी तरदीद की है, उसको वेलकम कर रही थी और कह रही थी कि मुल्क में इंतशार या किसी भी किस्म का खतरा नून लीग की गवर्नमेंट से है। यह था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।